हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन में डेरिवेटिव ऑफ स्किन। स्पेशल स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्किन ऑफ ह्यूमन आर नोन एज डेरिवेटिव ऑफ स्किन। तो स्किन के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो स्किन का ही मॉडिफाइड रूप होती हैं, उनको हम लोग स्किन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। स्किन के डेरिवेटिव्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर, सेकेंड है क्यूटिनस ग्लैंड। फर्स्ट हेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर। हेयर आर डेवलप्ड फ्रॉम लिविंग मालपेगी लेयर ऑफ एपिडर्मिस। हेयर क्या होते हैं? इट मीन्स एपिडर्मिस की जो मालपेगी लेयर होती है उनके लिविंग सेल से डेवलप होता है। हेयर कंपोज ऑफ फॉलोइंग पार्ट। हेयर हम लोग स्किन के स्ट्रक्चर में पहले हेयर के पार्ट पढ़ चुके हैं, फॉलिकल्स, ठीक है, और सॉफ्ट। वैसे ही इसकी कंपोजिशन के बारे में हम लोग देखते हैं कि किस कौन कौन से पार्ट से बना होता है। तो हेयर कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट। फर्स्ट है हेयर फॉलिकल। प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ हेयर इंसर्टेड इनटू द डर्मिस। प्रोक्सिमल पार्ट, जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है जो किसका, हेयर को जो डर्मिस के अंदर धसा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकल बोलते हैं। एंड फॉर्म्स ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है उसको हेयर फॉलिकल बोलते हैं। वॉल ऑफ हेयर इज टू लेयर। हेयर की जो वॉल है वो टू लेयर्ड होती है, ठीक है। फर्स्ट है फाइबरस आउटर लेयर ऑफ डर्मिस एंड सेकेंड है सेलुलर इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। आउटर साइड की जो लेयर होती है वो फाइब्रस होती है वो डर्मिस के अंदर, ठीक है, और सेलुलर होती है वो कैसी होती है, इनर लेयर, वो एपिडर्मिस के अंदर। सेकंड पार्ट है हेयर फॉलिकल्स के बाद में रूट हेयर। हेयर रूट सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडेड एट द बेस ऑफ हेयर फॉलिकल एंड हेयर रूट इज डिराइव्ड फ्रॉम इट। जो हेयर डिवाइड करता है वो एक्टिव फॉर्मेशन में डिवाइड कर, सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडेड डिवाइडिंग एट द बेस। बेस में हेयर की जो सेल्स होती है वो एक्टिव डिवीजन करने वाली होती है, ठीक है। हेयर फॉलिकल, हेयर रूट इज डिराइव्ड फ्रॉम इट, जिससे क्या निकलता है, हेयर रूट निकलता है। हेयर रूट इज कम्प्लीटली इंसर्टेड इन टू द डर्मिस, ये कम्प्लीटली डर्मिस के अंदर होता है। थर्ड पार्ट है हेयर का हेयर पेपिला, पेपिली। एट द बॉटम ऑफ हेयर फॉलिकल ए स्वेलो सेलोपिट इज फॉर्म्ड। बॉटम में यानी बेस के पास में एक स्वेलोपिट उभार है, ठीक है, हेयर के फॉर्म्ड फ्रॉम डेंस, जो किससे बना होता है, डेंस टफ से बना होता है, ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज की एक गुच्छे से बना होता है, ऑफ डर्मिस। द टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज नोन एज द हेयर पेपिली, और इसी ब्लड कैपिलरीज के टफ्ट को हम क्या बोलते हैं, हेयर पेपिली बोलते हैं। न्यूट्रिएंट आर सप्लाइड बाय द ब्लड कैपिलरीज टू हेयर पेपिली। ये जो न्यूट्रिएंट होता है वो कौन प्रोवाइड कराता है, इट मीन न्यूट्रिएंट आर सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज टू द हेयर पेपिली। इस हेयर पेपिली को ब्लड कैपिलरीज न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं। डी पार्ट है हेयर सॉफ्ट। सॉलिड पार्ट ऑफ हेयर एक्सपोज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन इज कॉल्ड हेयर सॉफ्ट। जो स्किन से बाहर की तरफ एक्सपोज्ड रहता है हेयर का पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेयर सॉफ्ट बोलते हैं। इट इज़ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ हेयर बिकॉज कंप्लीट केराटिनाइजेशन अकर इन द सेल्स। ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है किसकी वजह से, केराटिनाइजेशन की वजह से, केराटिन प्रोटीन की वजह से। एज दे रिचेज दैट सॉफ्ट, द सॉफ्ट, जब ये सॉफ्ट में पड़ते हैं। तो हेयर सॉफ्ट हैज़ थ्री पार्ट। अब हेयर सॉफ्ट के भी तीन पार्ट होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। क्यूटिकल, इट इज़ ऑलमोस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हेयर, वेरी थिन एंड सिंगल लेयर। सिंगल लेयर होती है, सबसे बाहर की होती है और पतली होती है। कॉर्टेक्स, मिडल लेयर ऑफ हेयर सॉफ्ट, बीच की लेयर होती है हेयर सॉफ्ट की। सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स आर मल्टी लेयर एंड पिगमेंटेड, एक से ज़्यादा लेयर वाली होती है और पिगमेंटेड होती हैं, कलर्ड हो सकती है। कलर ऑफ हेयर इज ड्यू टू द पिगमेंट, इस ये पिगमेंट की वजह से ये कलर रिप्रेजेंट करते हैं। एयर फिल्ड इन द कॉर्टिकल सेल, इसके अंदर कॉर्टिकल जो सेल्स होती है उनमें एयर फिलिंग होती है, एयर फिलिंग पॉइंट्स होते हैं।
लेस नंबर इन पिगमेंट, लेस नंबर ऑफ पिगमेंट सेल्स और एयर फिल्ड, द हेयर लुक लाइक वाइट इन कलर। अगर इन हेयर शाफ्ट की जो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जो पिगमेंट सेल्स हैं और उनमें हेयर फिल्ड कैविटी अगर क्या हो जाती है, लेस होती हैं, तो वो कैसे दिखाई देती है, वाइट कलर दिखाई देना। मेडुला, इनर मोस्ट लेयर मेन पार्ट ऑफ हेयर शाफ्ट इज मेडुला। हेयर शाफ्ट मेडुला, हेयर शाफ्ट का मेन पार्ट क्या है, मेडुला होता है और इनर मोस्ट लेयर कंटेन पॉलीहेड्रल सेल्स कंप्लीटली अरेंज्ड इन इट। पॉलीहेड्रल सेल्स से बनी होती है और फॉर्म एक्सिस ऑफ हेयर, हेयर का एक्सिस बनाती है। तो ये अपना फर्स्ट हेयर सेल, हेयर एंड स्ट्रक्चर में हेयर फॉलिकल, फिर हेयर रूट, हेयर पेपिली, हेयर शाफ्ट, ठीक है, और हेयर शाफ्ट के बाद में अपना इरेक्टर पेली मसल्स, स्पेशल मसल फॉर्म्ड फ्रॉम अनस्ट्रेटियर्ड फाइबर्स। ये स्पेशल मसल होती हैं अनस्ट्रेटियर्ड फाइबर्स से बनी होती है। दीज मसल्स आर कमिंग फ्रॉम हेयर फॉलिकल्स ऑन वन साइड एंड अटैच टू द डर्मिस, एक साइड से आती हैं और डर्मिस से अटैच रहती हैं। मूवमेंट ऑफ हेयर रेगुलेटेड बाय दीज मसल्स, जो हेयर मूवमेंट करते हैं वो इन्हीं सेल से कंट्रोल किया जाता है। हेयर बिकम इरेक्ट व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हेयर क्या होते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। ये था अपना फर्स्ट हेयर एंड स्ट्रक्चर। और अब दूसरा है अपने पास क्यूटिनस ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड्स ऑफ स्किन आर एक्सोक्राइन ग्लैंड बिकॉज द ग्लैंड्स ओपन ऑन द सर्फेस ऑफ एपिडर्मिस बाय डक्ट्स। ये एक्सोक्राइन टाइप की होती हैं ग्लैंड्स, स्किन से बनने वाली जो होती है, क्योंकि ओपन अप होती हैं सरफेस में और डक्ट्स में खुलती हैं। दिस ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ मेल पिगी लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जो लेयर है, ठीक है, एपिडर्मिस की जो फर्स्ट लेयर है इनमोस्ट, उसके इन्वेजिनेशन से ये ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है। क्यूटिनस ग्लैंड्स आर एज फॉलो, अभी ये भी अलग अलग टाइप की होती है। सबसे पहले स्वीट ग्लैंड्स, दीज आर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स, सिंपल होती हैं, ट्यूबुलर टाइप होती है। इट्स लोअर कॉइल्ड पार्ट इज फाउंड इन द डर्मिस, इसका जो नीचे का जो घुमा हुआ पार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉइल्ड पार्ट डर्मिस के अंदर। द डक्ट पास थ्रू द डर्मिस एंड ओपन डायरेक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ स्किन। डक्ट पास होते हैं किसके थ्रू, डर्मिस के थ्रू, और ओपन होते हैं किस में, डायरेक्टली, ओपन डायरेक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ स्किन वेयर स्वेट इज सिक्रेटेड इन दीज ग्लैंड। डर्मिस में डक्ट खुलते हैं और डक्ट पास थ्रू द डर्मिस एंड ओपन टू द स्किन और स्वेट रिलीज किया जाता है आउटर सरफेस ऑफ स्किन। स्वेट कंपोजिशन या उससे रिलेटेड एस्पेक्ट के बाद, स्वेट कंटेन्स वाटर, सम साल्ट, यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हेंस स्वेट इज सॉल्टी, इसलिए सॉल्ट क्या है, सॉल्टी है। इट इज मोस्ट प्लेसेस मेरोक्राइन ग्लैंड बट इन सम प्लेस पार्ट ऑफ बॉडी इट इज एपोक्राइन ग्लैंड। ये दो टाइप्स का होता है। अब हम एक्सोक्राइन में भी हम लोग और फर्दर डिवीजन करें तो मेरोक्राइन और एपोक्राइन। अप्रोक्सीमेट 25 लाख स्वेट ग्लैंड्स आर फाउंड इन द ह्यूमन। 25 लाख ग्लैंड्स का होती है, पाई जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, लगभग। अब एपोक्राइन आर फाउंड इन द आईलिड्स, अब ये भी स्पेसिफिक है कि स्वेट ग्लैंड्स के आगे फर्दर डिवीजन किए गए, तो एपोक्राइन टाइप होगा वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, आईलिड्स, नियर जेनेटियल ऑर्गन्स, एनस, निपल्स, निपल के पास में जेनेटियल ऑर्गन्स, एनस और आईलिड्स में प्रेजेंट होती है। एपोक्राइन सिक्रेटेड देयर सिक्रेशन विद द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एसोसिएटेड हेयर फॉलिकल, और ये अपना सिक्रेशन कहाँ करते हैं, साइटोप्लाज्म में करते हैं, एसोसिएटेड विद द हेयर फॉलिकल। मेरोक्राइन पोर देयर सिक्रेशन द बॉडी सरफेस, ये अपना सिक्रेशन कहाँ करते हैं, बॉडी सरफेस में, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स आर मिनिमम इन पाम सोल एंड आर्म पिट, ये क्या बोल रहा है कि इट मीन्स स्वेट ग्लैंड मिनिमम मैक्सिमम कहाँ पे होती हैं, सॉरी, मैक्सिमम इन पाम रीजन, ठीक है, और सोल एंड आर्म पिट्स इन एरियाज में मैक्सिमम होती है।
फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होते हैं, दे रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। सेकेंड टाइप है सबेशियस ग्लैंड, दीज आर फाउंड नियर द रूट्स एंड हेयर फॉलिकल, हेयर रूट और हेयर फॉलिकल्स के लगभग पाई जाती है। दीज ग्लैंड्स आर होलोक्राइन ग्लैंड्स एंड ओपन इन द बेस ऑफ हेयर फॉलिकल्स, होलोक्राइन होती है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हेयर फॉलिकल के पास में खुलती है। ग्लैंड सेल्स आर ब्रोकन एंड कम आउट विद द सिक्रेशन व्हेन फिल्ड विद सेबम, क्या होता है, ये ब्रोकन अप होती हैं और कम आउट विद इट्स सिक्रेशन फिल्ड विद सेबम, ये अपने सिक्रेशन के साथ में बाहर आती हैं और वो सिक्रेशन क्या होता है, सेबम होता है। होलोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड ही होता है एक टाइप के, देयर सिक्रेशन आर प्रोड्यूस्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म में सिक्रेट किया एंड रिलीज्ड बाय द रैप्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टूटने से, विच डिस्ट्रॉय द सेल, जो सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, एंड रिजल्ट इन द सिक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन टू द ल्यूमन, एंड रिजल्ट इन द सिक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द ल्यूमन। नेक्स्ट सेबम, सेबम इज ऑयली सब्सटेंस एंड लाइक ए थिक मिल्क, कैसा होता है, थिक मिल्क के जैसे बोल सकते हैं। सेबम मेक्स द हेयर एंड स्किन सॉफ्ट, हेयर और स्किन को क्या बनाता है, सॉफ्ट बना के रखता है। सपल एंड वाटर रेसिस्टेंट, वाटर रेसिस्टेंट बना के रखता है, ठीक है। सबेसियस ग्लैंड्स आर फाउंड इन द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं सबेसियस ग्लैंड, बट सबेसियस ग्लैंड एब्सेंट इन द पाम एंड सोल, जहाँ पे स्वेट ग्लैंड सबसे ज़्यादा होती है उन एरियाज के अंदर ये नहीं पाया जाता। हेयर आर नॉट फाउंड इन ऑन लिप्स, टिप ऑफ नोज, निपल ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड ग्लांस ऑफ पेनिस, या पेनिस का जो टिप होता है, बट सबेसियस ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन दीज पार्ट, इन पार्ट पर हेयर्स नहीं प्रेजेंट होते, बट सबेसियस ग्लैंड, निप्पल, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लांस, पेनिस, इन सभी पार्ट पर प्रेजेंट होते। नॉट इन प्रेजेंस ऑफ सेबम, विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सेबम प्रेजेंट है तो उस सेबम की प्रेजेंस में ही हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर पाते हैं, विटामिन डी सिंथेसाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट मेमोरी ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द थोरेसिक पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग के थोरेसिक पार्ट में प्रेजेंट होता है। दीज आर कंपाउंड ट्यूबुलर एंड ब्रांच्ड एल्विलर, कंपाउंड होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं, ब्रांच्ड और एल्विलर होती है। दीज ग्लैंड्स आर एपोक्राइन टाइप, ये एपोक्राइन टाइप की होती है। दीज ग्लैंड्स आर फंक्शनल इन फीमेल एंड रूडिमेंट्री इन मेल, मेल में फीमेल में फंक्शनल और मेल में रूडिमेंट्री होती है, यानी नॉन फंक्शनल होती है एक टाइप से। मेमोरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क फ्रॉम द नरिशमेंट ऑफ न्यूली बॉर्न चाइल्ड, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन होता है जो यंग वन को नरिश करने के लिए यूज किया जाता है। ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, जो फीमेल ग्रोथ हार्मोन बोल सकते हो बेसिकली, या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंटल हार्मोन बोल सकते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी के अंदर सिक्रेट किए जाते हैं, ये मिल्क सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। व्हाइल द सिक्रेशन ऑफ मिल्क इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। थर्ड है क्यूरिमिनस ग्लैंड, सेरिमिनस ग्लैंड, दीज ग्लैंड्स आर फाउंड इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस और एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर के पार्ट में प्रेजेंट होती है। दीज आर कोइल्ड एंड ट्यूबुलर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, कोइल्ड होती है, ट्यूबुलर होती है, और ये मॉडिफिकेशन होता है स्वेट ग्लैंड का। दीज ग्लैंड प्रोड्यूस कर्मिन ईयर वैक्स इन द कॉम्बिनेशन विद द सेबेसियस ग्लैंड सिक्रेशन, ये कॉर्मिन या हम लोग बोल सकते हैं ईयर वैक्स प्रोड्यूस करते हैं किसके कॉम्बिनेशन के साथ में, सेबेसियस ग्लैंड के सिक्रेशन। ईयर वैक्स ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल्स एंड प्रोटेक्ट ईयर टिम्पेनम, कान के पर्दे को प्रोटेक्ट करता है जो बाहर से आने वाले जो अननेसेसरी पार्टिकल है उनको ट्रैप करके पकड़ कर। पेरिनियल ग्लैंड, दीज आर मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड, ये भी मॉडिफाइड होती हैं सेबेसियस ग्लैंड की, फाउंड इन द डर्मिस ऑफ स्किन,
डर्मिस ऑफ स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है, स्किन के डर्मिस रीजन के अंदर प्रेजेंट हो, अराउंड जेनेटियल ऑर्गन, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, नियर एनस, जेनेटियल ऑर्गन, यूरोजेनेटियल एपरेटस, ठीक है, इन पार्ट्स में पॉइंट। सिक्रेशन ऑफ पेरिनियल ग्लैंड्स हैज कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, हैंस दीज आर ऑल्सो नोन एज स्कैंट ग्लैंड। जो इनके जो सिक्रेशन होते हैं पेरिनियल ग्लैंड के, उनमें एक स्पेशल टाइप की स्मेल रिप्रेजेंट की जाती है या फिर निकलती है, जिसको इसलिए वजह से इनको स्कैंट ग्लैंड भी बोलते हैं। पेरिनियल ग्लैंड्स आर एपोक्राइन इन नेचर, ये भी एपोक्राइन होती है। नेक्स्ट है मेबोलिन, मेबोमेन ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड ऑफ सेबेसियस ग्लैंड, ये सेबेसियस ग्लैंड की मॉडिफाइड हैं, फाउंड बिलो द आई लेसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, आई लेसेस के नीचे वाले साइड में प्रेजेंट होती है ह्यूमन बींग्स में। सिक्रेट द लुब्रिकेट दैट सरफेस ऑफ आईबॉल, आईबॉल के सरफेस में एक चिकना मीडियम सिक्रेट करती है। प्रोटेक्ट कॉर्निया विद इट्स ऑयली सिक्रेशन, कॉर्निया को प्रोटेक्ट करती है अपने ऑयली सिक्रेशन से, जिससे नमी बनी रहे। नेक्स्ट है जेस ग्लैंड, दीज आर मॉडिफिकेशन सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट इन द डर्मिस ऑफ आईलिड, आईलिड की डर्मिस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन होते हैं सेबेसियस ग्लैंड के। दीज ग्लैंड्स ओपन इन टू द फॉलिकल ऑफ आईलेसेस, कहाँ पर ओपन होते हैं, आईलेसेस के फॉलिकल्स में ओपन होते हैं, ग्लैंड्स ओपन इन टू द फॉलिकल ऑफ आईलेसेस, इट्स सिक्रेशन कीप द आईलेसेस सॉफ्ट एंड सपल, सॉफ्ट एंड सपल बना के रखते हैं इसका सिक्रेशन। यह आज का हमारा टॉपिक था डेरिवेटिव ऑफ स्किन, जिसमें हम लोगों ने स्किन से बनने वाली या स्किन के डेरिवेटिव्स की फॉर्म में जो ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा है। थैंक यू।